अनुदेशक शिक्षक को प्रधानाध्यापक कार्यभार ग्रहण नहीं करा रहे हैं, एवीएस ने आदेश दिया है, उस आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं पीएसए का आदेश लाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। यहाँ पर बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था, हमें हमारे विभाग के लोगों ने ही बर्बाद कर रखा है। ये अनुदेशकों का एक मामला आ रहा है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। अमृत विचार ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पूरा समाचार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने अधिकारियों के आदेश निर्देश ठेंगे पर रखते हैं। ये अलग बात है कि वह यदा कदा निलंबित भी होते रहते हैं, लेकिन वह अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। विकासखंड तिलहर के संविलियन विद्यालय चावर खास के इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपने ही विद्यालय के अनुदेशक को कार्यभार ग्रहण नहीं करा रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। अनुदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि वह संविलियन विद्यालय चावर खास में वर्ष 2015 में खेल अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने मार्च 2023 में उन्हें शिक्षण विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुरा भी शिक्षण कार्य में सहयोग के लिए संबद्ध कर दिया था। मई 2024 में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबद्धीकरण समाप्त करते हुए मूल विद्यालय संविलियन विद्यालय चावर खास में कार्य करने का आदेश पारित किया, लेकिन चावर खास के इंचार्ज प्रधानाध्यापक उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करा रहे हैं और रुपए की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने कहा कि वह खंड शिक्षा अधिकारी का आदेश नहीं मानते हैं, बीएसए का आदेश लेकर आओ। अनुदेशक ने बताया है कि जब वह 25 जून 2024 को विद्यालय खुलने पर स्कूल पहुंचे तो भी उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया और उन्हें स्कूल से भगा दिया गया। इससे पहले किसी मामले में प्रधानाध्यापक की शिकायत होने पर वह निलंबित भी हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी क्या कहते हैं। संविलियन विद्यालय चावर खास के अनुदेशक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक का प्रकरण बीएसए साहब के संज्ञान में लाया गया है। अनुदेशक को कार्यभार ग्रहण कराने से इंचार्ज द्वारा यह मना कर दिया गया है, कहकर कि वह खंड शिक्षा अधिकारी का आदेश नहीं मानते। बीएसए को अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अजय कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी तिलहर शाहजहांपुर। अब आइए देखते हैं इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए को पत्र भी भेज दिया है। चावर खास के इंचार्ज प्रधानाध्यापक की गतिविधि संबंधी रिपोर्ट भी मई में दी है, जिसमें कहा गया है कि चावर खास विद्यालय के अनुदेशक प्रदीप कुमार को उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुरा में शिक्षण कार्य में सहयोग के लिए भेजा गया था। इस विद्यालय की अध्यापक ने अनुदेशक प्रदीप कुमार का कार्य संतोषजनक होने का प्रमाणित करने को कहा था, लेकिन चावर खास के इंचार्ज ने रुपये की मांग करते हुए नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 27 अप्रैल 2024 को चावर खास स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान यहां के इंचार्ज प्रधानाध्यापक अनुपस्थित थे। उपस्थिति पंजिका पर उन्हें अनुपस्थित दर्शाया गया था, लेकिन बिना अनुमति संबंधी इंचार्ज द्वारा पंजिका पर हस्ताक्षर कर लिए गए। ये मामला आ रहा है। आप देख सकते किस तरीके से अनुदेशकों का लगातार शोषण हो रहा है। आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़। कमेंट करिए, क्या इन अनुदेशकों के साथ ऐसा ही होता रहेगा, और होगा तो कब तक होता रहेगा? क्यों नहीं न्याय मिल रहा है शासन और प्रशासन में इन अनुदेशक शिक्षकों को? बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर। आप देख रहे थे आज की एक खास रिपोर्ट। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।